हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने मेरी प्रेगनेंसी रिवील की है। आज का जो वीडियो है ये उसी से रिलेटेड है कि मुझे कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या सिम्टम्स मुझे मिले, कौन सा मंथ अभी चल रहा है और किस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी अभी तक जा रही है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भी बात कर लेती हूँ कि अभी मुझे कौन सा मंथ चल रहा है। तो अभी मुझे फोर्थ मंथ चल रहा है, मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 3 मंथ्स हो चुके हैं, बट मैंने ये नहीं बताया था कि अभी कौन सा चल रहा है। तो अभी मुझे फोर्थ मंथ चल रहा है। अब बात करें कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स मिले, किस मतलब कैसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो जिस मंथ मैंने कंसीव किया था, मेरी जो साइकिल है वो 26 से 28 डेज की है, रेगुलर है। तो जिस मंथ मैंने कंसीव किया था उस मंथ जो मेरी पीरियड्स की जो डेट थी उससे 5-6 दिन पहले से हल्की सी स्पॉटिंग हुई फर्स्ट डे। तो मुझे लगा कि डेट आएगी, मैंने पूरा दिन वेट किया, नहीं आई। सेकेंड डे भी मुझे स्पॉटिंग हुई, उस दिन भी मैंने पूरा दिन वेट किया, मेरी डेट नहीं आई। मतलब मेरे माइंड में ऐसा था कि जब हम कंसीव कर लेते तो हमें वॉमिटिंग होती है और थकान होती है, बेचैनी सी होती है, ऐसा होता है। मतलब ये मेरे दिमाग में ये था कि ये होते हैं ये होते हैं जब हम कंसीव कर लेते हैं उसके सिम्टम्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जो हार्मोन्स हैं वो अनबैलेंस हो गए, इस वजह से ऐसा हो रहा है, डेट आ जाएगी 2-3 दिन में। क्योंकि फेब में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम पे तो ये था कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई थी, उस वजह से मेरी जो पीरियड्स हैं वो 20 डेज तक चले थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हो रहा होगा, इस बार भी हो सकता है हार्मोन्स जो है वो मेरे बिगड़ गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर थर्ड डे भी मेरे को स्पॉटिंग हुई, उस दिन भी पूरा दिन पीरियड्स नहीं आए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था, मैंने पूछा ये क्या होता है, फिर मैंने नेट पे देखा, काफ़ी पढ़ा, काफ़ी सारे वीडियोस देखे कि ये क्या होता है, क्यों होता है। तो हो सकता है देखो सबको पता हो, बट मैं वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो चीज़ मेरे साथ हुई मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, तो मैंने काफ़ी पढ़ा, काफ़ी वीडियोस देखे, तब जाके मुझे पता चला कि कई वुमेन्स को जब वो कंसीव कर लेते हैं, जब बेबी इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, वो 2-3 दिन तक रहती है, हल्की सी पिंक से कलर की होती है, वो पीरियड से बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था, बिल्कुल सेम था। फिर मैंने बोला कि अब क्या करना है, क्या करें आगे। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नेक्स्ट डे हम टेस्ट कर लेते हैं, माइंड में क्लियर हो जाएगा जो भी है। मैंने बोला यार क्या टेस्ट करना, अभी तो डेट आने में भी टाइम है, टेस्ट में क्या ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, मैंने सीधे यही बोला उन्हें। तो उन्होंने बोला एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर हमने मॉर्निंग में टेस्ट किया। तो टेस्ट करने में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, पहले तो वो जो फर्स्ट लाइन होती है वो आ जाती है और सेकेंड लाइन थोड़ा सा 1-2 मिनट रुकने के बाद आती है। तो वो फर्स्ट लाइन ही आई, मैंने बोला नेगेटिव ही है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया ये वो, मैं उनसे बहस करने लगी सुबह पहले कि फालतू में मेरा दिमाग खराब किया, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि क्या होगा क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो जो लाइन है सेकंड वो आ गई, फिर मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मतलब मुझे तब भी बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ सच में हुआ है, मेरे को लगा कि मैंने बोला ये किटी खराब है, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ज़्यादा मत सोचो, ये सच में है, पॉजिटिव है। फिर मैंने बोला अब क्या करें। फिर हमने जो मेरे सिस्टर इन लॉ उनको फ़ोन किया, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होती कुछ चीज़ें, हमारे बड़े ही हमें अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है या जो भी चीज़ें होती है वो हमें अच्छे से बताते हैं। तो दीदी ने फिर हमें बोला कि अभी तुम वेट करो, क्योंकि काफ़ी जल्दी ये सब चीज़ें हुई है, तो वेट करो, जो तुम्हारे पीरियड्स की डेट है उसका वेट करो कि आते हैं नहीं आते हैं। फिर हमने वेट किया, जिस दिन मेरी पीरियड की डेट थी उस दिन फिर हमने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की, हम उनके पास गए, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ये चीज़ें हुई है। तो उन्होंने भी सबसे पहले यही पूछा कि पक्का कंफर्म हो कि दोनों लाइन आई है, पॉजिटिव आया है। तो हमने बोला हाँ हम कंफर्म है
की पॉजिटिव आया, दोनों लाइन्स आई थी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट किया कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, इतनी जल्दी बेबी की हार्ट बीट भी नहीं आती जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो उस टाइम पे यही ऑप्शन होता है, बीटा एससीजी एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो वो हुआ, उसकी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आया। फिर हम शाम को फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर वापस ब्लड टेस्ट किया ये देखने के लिए कि वो जो एससीजी का लेवल है वो बॉडी में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मतलब बेबी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो किया, फिर नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई तो वो भी पॉजिटिव आया। फिर हम उस दिन वापस इवनिंग में डॉक्टर के पास गए, फिर उन्हें बताया कि हाँ ये पॉजिटिव है, तो उन्होंने बोला हाँ तो फिर कंफर्म है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। हम खुश हो गए। फिर इन्होंने पूछा कि हम फैमिली में बता दें, अभी हमने किसी को नहीं बता रखा, तो फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल किसी को आपको नहीं बताना है, क्योंकि अभी ये कंफर्म है कि प्रेगनेंसी है, बट ये कंफर्म नहीं है कि हेल्दी प्रेगनेंसी है, किस टाइप की प्रेगनेंसी है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बेबी जो होते हैं वो ट्यूब में आ जाते हैं, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, उस वो जो प्रेगनेंसी होती है वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती, उसमें मिसकैरेज के चांस होते हैं, मतलब वो होता ही है, मिसकैरेज ही होता है उसमें। वो प्रेगनेंसी जो होती है, बच्चे जो होते हैं वो ट्यूब में होते हैं, वो पॉजिटिव ही आता है, वो अच्छी नहीं रहती है, उस टाइम पे डॉक्टर ने हमने बताया। तो फिर हमने पूछा कि वो कैसे कंफर्म होगा, कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बताया, उन्होंने हमें बोला कि अभी आपको 14 डेज तक वेट करना पड़ेगा, मतलब जब तक आपके 6 वीक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, मतलब जब 6 वीक हो जाएंगे उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद ही बच्चे की हार्ट बीट आती है, तो उसी से कंफर्म होगा कि किस टाइप की है, क्या है, सिंगल प्रेगनेंसी है क्या है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 14 डेज तक। फिर हम घर पे आए, उन्होंने तब थोड़ी बहुत मेडिसिन मेरी लिख दी थी, एक पता नहीं 2 मेडिसिन उन्होंने मेरी लिखी थी, तो वो फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी। वो 14 डेज मेरे कैसे निकले ये मुझे ही पता है, क्योंकि जितना मैं पॉजिटिव थी उतना ही तो कहीं ना कहीं देखो थोड़ी नेगेटिविटी तो आ ही जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक तो है ना, मतलब एक एक दिन ऐसा निकला, इतना मुश्किल से निकले ना वो 14 दिन मेरे, मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद 14 डेज हमने डॉक्टर के पास गए, रेडियोलॉजिस्ट के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाया, और उसमें फाइनली हमने हार्ट बीट सुनी, हम दोनों इतना खुश हुए, क्योंकि मतलब बिल्कुल ही, मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बोल ही नहीं सकती कि उस टाइम पे हम क्या फील कर रहे थे दोनों ही, बिल्कुल अलग ही वो जो पल था ना, बिल्कुल इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खुश अपनी लाइफ में कभी हुई होंगी जितना उस टाइम पे थी, मतलब बहुत ही अच्छा था वो। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्हें दिखाया, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने बोला हाँ कंफर्म है, सब बढ़िया है, अच्छा है, अब आप बिल्कुल अच्छे से रहो, हेल्दी खाओ, अच्छे से डाइट फॉलो करो, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टार्ट कर दो। वैसे तो मैंने जब मैंने कंसीव किया था, मतलब जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तब से ही अखरोट और बादाम खाने शुरू कर दिए थे। फिर डॉक्टर से पूछा कि आप क्या क्या खा सकते हो, तो उन्होंने बताया कि आप अंजीर, किशमिश, तो थोड़ा थोड़ा सा आप स्टार्ट कर दो भिगा के खाना, तो मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने बोला कि अब बता दें फैमिली में सबको, तब भी उन्होंने हमें मना ही किया था कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 3 मंथ्स कंप्लीट होने दो, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला कि अभी आपके इमोशंस का आपके बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। फिर उन्होंने बोला कि मैम हमने अभी किसी को भी नहीं बता रखा, तो फिर वो भी हंसने लगे, वो बोले कि ठीक है आप अभी बता दो, बट अभी आप बहुत ध्यान रखो अपना ये वो। तो फिर हम घर पे आए, फिर हमें अपनी दोनों फैमिलीज में सबको बताया, सब बहुत खुश हुए, मतलब बहुत ही बढ़िया दिन था वो हमारे लिए। तो इस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी के शुरुआत, मतलब मेरे को ये सिम्टम्स मिले इस तरीके से, मतलब मैं बोलूँ तो कुछ सिम्टम ही नहीं थे, हल्की सी स्पॉटिंग थी बस ये। अब मैं बात करूँ कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसा, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अभी मुझे 4th मंथ चल रहा है, मैंने अभी तक भी वॉमिटिंग की एक भी मेडिसिन नहीं खाई है। मुझे सब डॉक्टर ने लिखा तो है कि होगी तो खा लेना, बट मैंने नहीं खाई, क्योंकि भगवान की दया से मेरे को कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, ना मुझे कोई वीकनेस है, ना बॉडी में कुछ पेन वगैरह सॉरी ये है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं,
मैं अब मेरी काफी सारी फ्रेंड्स प्रेग्नेंट है उनसे पूछती हूँ कि क्या होता है कैसे होता था। वो बोलते भाई हमारी तो हालत खराब हो गई, इतनी वॉमिटिंग हुई, स्मेल से इतनी प्रॉब्लम है, ये कुछ भी नहीं खाते हैं, ये वो। मैं सोचती थी यार कैसे होगा क्या होगा, बट भगवान की कृपा से मेरे को कोई सिम्टम्स इस तरीके से नहीं है। मेरे अब तक 14 चौथा महीना भी मुझे चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया गए हैं, बिल्कुल मस्त गए हैं। मतलब भगवान से प्रे करती हूँ कि सबके ऐसे ही जाए। मतलब अब जाके थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है पेट अब आ गया है। मतलब मुझे अभी तक भी ये लगता था कि हो ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सिम्टम्स ही नहीं है। मैं इनको बोलती थी यार ठीक तो है ना, सब कुछ है ही नहीं बॉडी में ऐसा, तो बोलते थे सब सही है। तो इस तरीके से मेरे को मेरी प्रेगनेंसी रही है, मेरे शुरुआती 3 महीने गए हैं बिल्कुल बढ़िया मस्त बहुत अच्छे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ मुझे ना हल्की सी जैसे अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टिंग से ही, जब मैंने कंसीव किया है तब से ही। जनरली लोगों को 8-9 मंथ में होती है, बट मुझे ये स्टार्टिंग से, मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, कईयों को होती है कईयों को नहीं होती, आपको हो रही है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, वो मुझसे होती नहीं है। मैं तो वो इतना बोलते कोशिश करोगे तभी होता है, मैंने कहा मेरे को कोशिश से तो नहीं होती, कई बार तो इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं मुंह खोल के सोती हूँ, मतलब सांस ही नहीं आती। बस एक ये प्रॉब्लम है मुझे, इसके अलावा टचउड मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फिट हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो बढ़िया है बिल्कुल। और बस आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं अटक भी रही हूँ आई नो, क्योंकि काफी दिन बाद जब कैमरा उठाते हैं ना तो वर्ड्स भूल जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट अब फ्लो में धीरे धीरे आ जाएगा आई नो। तो आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।